Assalamualaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Vidyalaya College of Health Sciences, Multan. Today our topic of discussion is fracture. आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्रैक्चर होता क्या है, कैसे होता है, क्या अलामतें होती हैं, इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब इलाज कैसे किया जाता है और इसके अलावा इसकी कौन सी एग्जाम होती है। ठीक है, आज के जो लेक्चर में हमने वो जस्ट इसकी डेफिनेशन देखनी है, अलामत को देखेंगे और इसकी टाइप्स को यानी एग्जाम को, फिर फर्दर जो इसकी मैनेजमेंट है और कौन कौन सी केयर करनी चाहिए पेशेंट को जब ये कंडीशन हो जाए, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम फ्रैक्चर को देखें कि फ्रैक्चर होता क्या है, इसको सिंपल डिफाइन करें, तो हम सिंपल कहते हैं कि हड्डी टूटने के अमल को फ्रैक्चर कहते हैं या हड्डी टूटने को फ्रैक्चर कहा जाता है, या सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से एनी ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बोन, बोन या हड्डी ठीक है का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल एक जैसा होता है, कॉन्टिन्यू होता है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होती है, कोई भी ऐसे रुकावट वगैरह नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट होती है बोन। लेकिन अगर उसमें कहीं ब्रेक आ जाए तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या हड्डी के टूटने के अमल को कोई ब्रेक या क्रैक या कुछ भी हो जाए, ठीक है, मुख्तलिफ हिस्सों में वो टूटती है नहीं टूटती है कुछ भी हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर हो गया। सिंपल कोई भी उसमें क्रैक या कोई भी जो है वो ब्रेक आ गया है कॉन्टिन्यूटी में, कोई भी रुकावट आ गई है हड्डी की, तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है बेसिकली थोड़ी सी मैं आप लोगों को जनरल डिस्कशन करना चाहूंगी हड्डी के बारे में, कि जो बोन होती है हमारी हड्डी वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सख्त किस्म का साख्त होती है, बेसिकली न्यूक्लिक आयन से मिलकर बनती है कलेक्शन से। लेकिन इसमें थ्री टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, तीन तरह के जो होते हैं सेल्स होते हैं, ऑस्टियोकवर जो होते हैं वो बोन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, इनमें से एक जो है वो जो हड्डी बनाने के लिए अज्जा या इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं हम चाहिए होते हैं उनको कलेक्ट करता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन करता है, और जो तीसरे वाला है वो हड्डी के बनाने के सेल को प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इस तरह से हमारे बॉडी में जो है बोन्स की डिफॉर्मेशन या फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, फ्रैक्चर आने की डिफरेंट वजूहात, वो अगर हम वजह देखें कि फ्रैक्चर होता क्यों है जिस्म में, तो बेसिकली तो कोई चोट लगती है, कोई प्रेशर लगता है हमारी हड्डी पे, अचानक से झटका लगता है उस सूरत में, या बहुत ज्यादा मसल कंट्रैक्शन की सूरत में भी होती है, दूसरा कोई मेडिकल कंडीशंस हो गई, यानी कि जैसे ओल्ड एज के साथ फीमेल्स में जो है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है, यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन जिसे हम कहते हैं, उसमें हो गया कि विटामिन डी की कमी हो रही होती है मेनोपॉज के बाद, जिसके बाद जो है वो हड्डियों का जो फ्रैक्चर है जरा सी चोट लगती है, कोई बंदा गिरता है, या इवन कि थोड़ा सा भी ट्विस्ट होती है फिंगर या ये आप लेग, तो फिर जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, मेडिकल कंडीशंस भी जो है इसमें हो सकती हैं। तो अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन देखें, हड्डी टूटने के अमल को या हड्डी टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं, टूटी हुई हड्डी को फिर से काम शुरू करने के लिए मरम्मत की जरूरत होती है। हड्डियां कुदरती तौर पर ठीक होने के साइक रखती हैं, क्यों, बिकॉज के अंदर थ्री टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, खास किस्म के सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट टूटी हुई हड्डी के मकाम पर हड्डी के टुकड़ों को जोड़ने का काम करते हैं, हटाने के बजाय जोड़ने का काम करते हैं, जबकि एक और किस्म के सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट नई हड्डी बनाते हैं। हड्डी टूटने के मकाम पर बहुत सारे नए सेल्स और खून की बारीक नालियां बन जाती हैं, जबकि टूटी हुई हड्डी के सिरे नए सिरे तमीर करते हैं। एक और खास किस्म के हड्डी वाले सेल्स खास मादा बनाते हैं जो कि टूटी हुई हड्डी को आपस में जोड़ते हैं। थ्री टाइप के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, एक जो है वो हड्डी बनाने के लिए जो अज्जा होते हैं उनको जमा करते हैं, दूसरा जो है वो हड्डी बनाने के अमल को अब्जॉर्ब करते हैं उन अज्जा को, ठीक है, और बनाना स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह जिसमें जो है हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है डेवलप होती है, और जो तीसरा होता है वो हड्डी को बनाता है हमारे। अक्सर फ्रैक्चर 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है, पास हड्डियां जिन्हें खून की सप्लाई कम होती है इनके ठीक होने में ज्यादा असर रखता है, ज्यादा ब्लड जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग या हीलिंग जो है वो ज्यादा तेजी से होगी, जैसे कि फीमर की
गर्दन का निचला हिस्सा, ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं इनको ज्यादा कम सप्लाई चाहिए होती है और ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर ठीक होने के अहम अवामिल में एक वजायत भी है, टूटी हुई हड्डियों के ठीक होने का निसार कई बातों पर होता है, इनमें से अहम गजाइत और हड्डी की मुनासिब खून की सप्लाई है। इसलिए जरूरी है कि गजाइत से भरपूर खुराक इस्तेमाल की जाए ताकि हड्डी ठीक होने का अमल ठीक तरीके से मुकम्मल हो सके, ठीक है। इसलिए जब कोई फ्रैक्चर होता है या बोन का इश्यू होता है तो डॉक्टर ज्यादातर जो है वो गोश्त टाइप या ऐसी चीजें जो है रेकमेंड करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि जो हमारा गोश्त है, जो हमारी फूड का कंपोनेंट है, वो आयरन पे कंसिस्ट करता है जो कि हमारे मांस के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्चर की अलामत। कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी में कोई फ्रैक्चर हुआ है? चोट लगने के दौरान टिटकने या कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट है जख्मी जगह की गिट सूजन रिगो निशान, यानी कि जो है वो हमारी स्किन जो है वो थोड़ी ब्लू या बेसिकली रेडिश होना स्टार्ट हो जाती है, सूजन होती है, इस पे दुख और दुखती है, पेन होती है बहुत ज्यादा, हड्डी टूटने की स्वीयर पेन, बहुत ज्यादा स्वीयर पेन होती है इसकी। जख्मी जगह की शक्ल बिगड़ जाती है, शदीद हालत में टूटी हुई हड्डी दिल से बाहर निकली होती है। आगे हम फ्रैक्चर की टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो फ्रैक्चर है उसकी शिद्दत की बेस पे, कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं कि जो में हड्डी तो टूटती है लेकिन वो जिल के अंदर ही रहती है, जबकि कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी टूट के बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसकी डिफरेंट अगर हम साम देखें, फ्रैक्चर की डिफरेंट एक्साम्स होती है, ठीक है, टाइप्स होती है फ्रैक्चर की डिफरेंट, बच्चों में और होती है, बड़ों में और होती है। बक्कल फ्रैक्चर जो होता है वो, और बेसिकली हम फ्रैक्चर्स को उसकी लोकेशन के लिहाज से भी, यानी कि जिस्म में कहाँ हुआ है उस लिहाज से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुकम्मल हुआ है, थोड़ा हुआ है, किस तरह से, ज्यादा बोन्स इन्वॉल्व है, थोड़ी बोन्स है, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट चीजें जिनकी बेस पे हम जो है फ्रैक्चर को डिवाइड करते हैं। पहली टाइप जो है बक्कल फ्रैक्चर, ज्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर में हड्डी एक जानब मुड़ जाती है, थोड़ा सा उभार पैदा करती है लेकिन दूसरी तरफ से नहीं टूटती, ठीक है। बक्कल फ्रैक्चर में ऐसे होता है कि जो हमारी बोन है, एक सिरा जो होता है वो उसका अक्सर मुड़ जाता है और थोड़ी सी वहां पे स्वेलिंग या उभार पैदा हो जाता है, जबकि जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा साइड होता है बोन का, वो कुछ भी नहीं होता, उसे बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। ये ज्यादातर बच्चों में होता है, क्योंकि बक्कल फ्रैक्चर ज्यादातर बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत नरम होती है, खेलने के दौरान या भागने दौड़ने के दौरान अक्सर उनको ये हो जाता है। नेक्स्ट है क्रीम स्टिक फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें हड्डी एक तरफ से टूट जाती है जबकि दूसरी तरफ से मुड़ जाती है, ठीक है। एक तरफ से तो हड्डी टूटती है, दूसरी तरफ से जो है वो मुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है हड्डी के मुकम्मल टूटने का इम्कान ज्यादा होता है। ये ज्यादातर ग्रीन स्टिक जो है वो बड़ों में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड फ्रैक्चर, ठीक है, नाम से शोर है, क्लोज का मतलब होता है बंद, ऐसा फ्रैक्चर जिसपे हड्डी तो टूटती है लेकिन जिल्द को कोई नुकसान नहीं होता, जिल्द से बाहर नहीं निकलती, बस स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे, ठीक है, या बहुत पेन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर, उसको हम सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन कंपाउंड या कम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ओपन नाम से शो हो रहा है, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें टूटी हुई हड्डी टूटती है और वह जिल्द से बाहर निकल आती है, उसको हम कहते हैं ओपन कंपाउंड या कम्प्लेक्स जो है फ्रैक्चर का नाम दिया जाता है। इसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि जिल्द से बाहर निकल आती है तो जिल्द भी जख्मी होती है, जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं, डिस्प्लेस्ड एंड नॉन डिस्प्लेस्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह, डिस्प्लेस अपनी जगह से हिल जाना, ठीक है। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर अगर हम देखें, नॉन डिस्प्लेस्ड और यहाँ पे टू टाइप्स दिए हैं डिस्प्लेस्ड, पहले हम डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर को देख लेते हैं। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटती है और हड्डी के टुकड़े जो है डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह पे नहीं रहते, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड, और इसके लिए ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। इसको अगर हम सिंपल देखें, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूट जाती है, हड्डी के टुकड़े एक सीध में नहीं रहते, इसके इलाज के लिए ऑपरेशन किया जाता है ताकि टूटी हुई हड्डी के टुकड़े एक ही सीध में आ जाए,
इसको हम डिस्प्लेस्ड कहते हैं, यानी कि हड्डी अपनी जगह से हिल जाती है। इसमें नॉन डिस्प्लेस्ड इसके ऑपोजिट होता है, उसमें क्या हो रहा होता है कि हड्डी टूटी है, बोन फ्रैक्चर हुआ है उसके पास जो है, लेकिन उसके जो डिफरेंट टुकड़े हैं वो एक ही सीध में होते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके लिए ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए जस्ट क्या करते हैं, प्लास्टर बांध दिया जाता है, कवरिंग कर दी जाती है कुछ अरसे के लिए, जिसकी वजह से जो है वो हड्डी जो अपनी जगह पे वापस आके जुड़ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हील्ड लाइन फ्रैक्चर, इसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं। सबसे जो माइन्यूट सा फ्रैक्चर होता है वो हेयर लाइन होता है, बिल्कुल बारीक सा होता है बाल की तरह का। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारी बोन है यानी कि हमारी हड्डी है, उसमें पॉम जो भी है, चाहे कहीं की भी हाथ है या पॉम की, मोस्टली वो उसमें ये होता है, उनके मुड़ जाने से क्या होता है या ट्विस्ट करने से थोड़ा सा उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, बिल्कुल लाइट सी लाइन की तरह का ब्रेक आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। इसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं, और ज्यादा ये जंपिंग के दौरान आ रहा होता है, एथलीट्स में आ रहा होता है, यानी कि खिलाड़ियों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल फ्रैक्चर। हड्डी अगर फ्रैक्चर के दौरान जस्ट एक जगह से टूटी है तो उसको हम कहते हैं सिंगल फ्रैक्चर, लेकिन सेगमेंटल फ्रैक्चर अगर हड्डी, एक ही हड्डी दो मुख्तलिफ जगहों से टूटी है तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। ये तो था आज का लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब।